नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट की जर्नी स्टार्ट कैसे होती है। अगर आप भी अकाउंटेंट बनने की इच्छा रखते हो, यानी कि आपका भी एक सपना है भी मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनूँ, तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, यानी कि आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है एक प्रोफेशनल, एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए। तो ये आज की जो वीडियो है स्पेशल उन लोगों के लिए, या तो वो अकाउंटेंट बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर वो प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अकाउंटिंग कोर्स करके रिसेंटली किसी कंपनी में जॉब की शुरुआत करी है। तो उनके पास केवल अभी तक थ्योरी का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो उनको पता होना चाहिए भी हमें प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जब हम किसी कंपनी की करते हैं तो हमें शुरुआत के दिनों में, स्टार्टिंग के अंदर हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान में होना जरूरी है। तो हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपको शुरुआत के अंदर और स्टेप बाय स्टेप सीखने की सख्त जरूरत होती है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखना। इसके अंदर हम वाउचर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड को लेके टैक्सेशन की रिपोर्टिंग तक की हम सारी प्लानिंग है जो डिस्कस इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इस टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि हम टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं और जैसे ही हमारा टैली सॉफ्टवेयर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हम एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपके मैं यही क्लियर कर देता हूँ भी अगर आप टैली सीख रहे हो, ओनली टैली सीख रहे हो बिना किसी प्रैक्टिस के, तो आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हो ना कि अकाउंटेंट हो। पहला पॉइंट आपका यही क्लियर हो जाता है। उसके बाद अपने डिस्कस करते हैं भी शुरुआत आपको किस तरीके से करनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंटेंट की जो जर्नी है वो कैसे है, यानी कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है। किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी उनके वाउचर्स होते हैं उन वाउचर्स को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। मैं यहाँ पर कोई टैली सॉफ्टवेयर, कोई विजी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर आपके सामने कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है वाउचर ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को लेकर। अब वाउचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि वाउचर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग से लेके और पर्टिकुलर टैक्सेशन की रिपोर्टिंग तक का काम है जो एक अकाउंटेंट का होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भी मान लीजिए आपने किसी कंपनी में शुरुआत कर ली है या फिर आप कोई कोर्स है जो सीख रहे हो प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है जी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टैली सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब टैली सॉफ्टवेयर में आपने कंपनी क्रिएट करी तो पर्टिकुलर आपको ये पता होना चाहिए भी सबसे पहले हमें जो टैक्सेशन के ऑप्शन है उनको हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि जो आपकी कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड किस टाइप का काम होना है, आपकी जो कंपनी है वो रेगुलर में है या फिर वो कंपोजिशन में है, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारी जीएसटी की है जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, टैली हो तो उसके अंदर भी अलग सेटिंग है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर भी अलग अलग टाइप की सेटिंग्स जीएसटी से रिलेटेड हमें करनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर कोई टीडीएस अगर आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो हमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है जो सॉफ्टवेयर के अंदर शुरुआत के अंदर ही करनी पड़ती है। मतलब वाउचर का जो ट्रांजेक्शन से रिकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे उसको रिकॉर्ड करने से पहले, अगर आपने रिकॉर्ड पहले कर दिया टैक्सेशन की सेटिंग्स अगर आप बाद में कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में आपका प्रॉपर काम रहेगा भी सबसे तरीके सही तरीके से आपको लेजर क्रिएट करनी है, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस के साथ, प्रॉपर उसके जीएसटी नंबर के साथ, प्रॉपर उसके एमएसएमई के टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इसका। आपने कंपनी क्रिएट करी, F11 बटन हमने प्रेस किया, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर ये टैक्सेशन से रिलेटेड सारी सेटिंग आ गई। इसके अंदर जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है, सब कुछ है। आपने एंटर प्रेस किया तो उसके बाद में यहाँ आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे भी आपकी कंपनी रेगुलर है, कंपोजिशन है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कंपनी आपकी कंपोजिशन है और यहाँ आप रेगुलर करते फिर, तो ये आपको पता होना चाहिए,
या फिर आपकी कंपनी है कंपोजिशन, आप रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर है कर कंपोजिशन रहे हो, तो आपकी आगे की जितनी भी प्लानिंग है सारी सॉफ्टवेयर है जो बिगाड़ देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता सॉफ्टवेयर एक मशीन है, ठीक है ना। आप मशीन पे वर्क कर रहे हो, मशीन पे वर्क किया कैसे जाता है वो आपके माइंड में पहले प्रिपेयर होना, वो सारी बातें जरूरी है। उसके बाद हमने जैसे अभी टॉपिक डिस्कस किया था, अभी प्रॉपर लेजर आपको क्रिएट करना है। तो लेजर का मतलब हो गया, जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट पे गए, लेजर पे गए, हमने यहाँ पर कोई एक पार्टी का नाम लिखा, मान लीजिए ये आपका सप्लायर्स है, तो आपको पता होना चाहिए भी जो सप्लायर्स है हमारा वो सैंडरी क्रेडिटर होता है या सैंडरी डेब्टर्स होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, लाइबिलिटी होती है, क्या चीज होती है, एक्सपेंसेस है क्या चीज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो भी आपका काम करेगा ना वो प्रॉपर आपके ग्रुप पे काम करेगा। अगर आपने ग्रुपिंग अगर गलत कर दी ना तो आपकी अकाउंटिंग कोई काम की नहीं है। अगर आप ग्रुपिंग गलत कर रहे हो इसका मतलब आपको अकाउंटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको केवल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होना चाहिए भी सैंडरी क्रेडिटर्स होता कौन है और सैंडरी क्रेडिटर्स की डेफिनेशंस क्या है, सैंडरी डेब्टर्स की क्या डेफिनेशन है, सैंडरी क्रेडिटर्स की क्या डेफिनेशन है। अब मान लीजिए आपने सैंडरी क्रेडिटर को सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर उसका प्रॉपर एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद में प्रॉपर उसका डिटेल्स सारी पैन नंबर के साथ, यहाँ पर उसका एमएसएमई से जो भी इसकी डिटेल्स है, वो किस टाइप का एमएसएमई है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, किस टाइप का है, उसके बाद में वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है, है तो वो रेगुलर में है, कंपोजिशन में है, अगर नहीं है तो वो आपका अनरजिस्टर्ड माना जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको शुरुआत में ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने अकाउंटिंग की शुरुआत कर दी लेकिन आपने इस टाइप की जो कॉन्फिगरेशन सेटिंग्स है वो आपने नहीं करी तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में आपका लेजर से रिलेटेड काम हो गया। अब उसके बाद बात आती है स्टॉक आइटम्स की, यानी कि जो आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है उन सभी प्रोडक्ट्स के नाम आपको क्रिएट करने हैं, पर्टिकुलर उसके यूनिट्स के साथ में, उसके ग्रुपिंग के साथ में, और उसके साथ साथ उसकी जीएसटी से रिलेटेड उस प्रोडक्ट की है वो आपको प्रॉपर मेंशन करनी जरूरी है। अब वो किस तरीके से करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करी, क्रिएट पर हम गए, स्टॉक आइटम पर हम गए, अब उसके बाद में जैसे आप स्टॉक आइटम पे आ जाओगे विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद में जो भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है उसका जो अंडर ग्रुप है, इसका ग्रुप आपको किस ग्रुप के अंदर रखना है, किस टाइप की आपका वो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बाद के अंदर इसकी कैटेगरी किसके रिलेटेड कैटेगरी आती है, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ये आप प्रोडक्ट है बॉक्स में सेल कर रहे हो, पीस में सेल कर रहे हो, ठीक है, क्विंटल में सेल कर रहे हो, कार्टून में सेल कर रहे हो, बॉक्सेस में सेल कर रहे हो, किस टाइप के यूनिट्स के अंदर आप इस चीज को सेल करते हो, नॉन्स के अंदर करते हो, तो उसके रिलेटेड उसकी अल्टरनेट यूनिट्स क्या चीज रहेगी। अगर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो आपको मतलब बैच नंबर वगैरह उसका है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट, वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन करनी जरूरी है। उसके बाद में जीएसटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है, तो अब एचएसएन कोड आपको यहाँ पे लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट का क्या है वो आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में जीएसटी, हम इस वीडियो के अंदर आपको ये बता रहे हैं, अब ये आगे प्रॉपर मेंटेन कैसे होती है इसके अंदर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें हम इसी के अंदर कवर करेंगे ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको ये सारी बातें प्रैक्टिकल वाउचर के साथ हम बताएंगे, और इस वीडियो के अंदर हम आपको इतना बता रहे हैं कि आपको ये किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में इसका जो पर्टिकुलर टैक्स रेट है, ठीक है, कितने परसेंट है, 5 है 12 है 18 है 28 है या फिर एग्जेम्प्ट है, तो इन सब बातों का आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ भी आपको वाउचर की ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको ये सारी बातें पता होना जरूरी है। उसके बाद हम बात आते हैं भी उसके बाद अकाउंटेंट का मेन काम क्या रहता है, ये क्रिएट आपको वन टाइम करना है, उसके बाद जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे आप लेजर है चाहे स्टॉक आइटम आप क्रिएट करते रहोगे। उसके बाद आपका जो डे टू डे जो ट्रांजेक्शंस आपको मेंटेन करनी है वो किस टाइप की अकाउंटिंग आपको करनी है, जैसे सबसे पहले रूटीन के अंदर क्या होगा हुआ भी आपकी कंपनी गुड्स को परचेज भी करेगी तो आपके पास परचेज के इनवॉइस आएंगे, तो आपको परचेज इनवॉइस की जो एंट्री करनी पड़ेगी, परचेज बिल आपको पोस्टिंग करने पड़ेंगे। उसके बाद में सेल इनवॉइस, अगर आपने कस्टमर आपसे कोई रिक्वायरमेंट करता है, अब सेल इनवॉइस की यहाँ पे कहानी दो तरीके से आती है, मान लीजिए अगर आपकी कंपनी कंप्यूटराइज इनवॉइसिंग करती है तो आपकी सेल है जो साथ के साथ मेंटेन होगी। अब बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मैनुअल मान लीजिए रखती है, बिजनेस किसी का छोटा है वो मैनुअल अपना बिल बुक है जो मेंटेन करते हैं और उसको बाद में कंप्यूटर पे पोस्टिंग करते हैं, तो अगर आपका कंप्यूटर है तो आपको सेल इनवॉइस साथ के साथ आपके मेंटेन है, और अगर आप मैनुअल के
कि मतलब बिल बुक मेंटेन होती है कंपनी के अंदर, तो आपको मैनुअल को आपको सेल इनवॉइस के अंदर एंट्रियां जो डे टू डे करनी पड़ती है। उसके बाद में रूटीन का काम ये पेमेंट और रिसिप्ट का, मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट भी करोगी, अगर आपने कस्टमर्स को कोई क्रेडिट के अंदर यानी कि उधार के अंदर कोई गुड सेल किया हुआ है तो उसका भी पैसा आपके पास आएगा, तो उसकी एंट्री भी आपको रिसिप्ट के अंदर करनी पड़ेगी, वो भी आपकी एक रिसीव हो रही है। अब ये पेमेंट एंड रिसिप्ट आपकी दो तरीके से हो सकती है, कैश के थ्रू हो सकती है और दूसरा बैंक के थ्रू हो सकती है। उसके बाद में बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स, जैसे अभी हमने बात की, अभी अगर आपने कोई बैंक से कोई पेमेंट करी है या बैंक के अंदर आपकी पेमेंट कोई आई है तो आपको बैंक बैलेंस है जो डेली का डेली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद में कोई गुड्स रिटर्न्स है, मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट है जो रिटर्न किया है या आपके पास कोई रिटर्न आया, यानी कि आपकी वो परचेज रिटर्न हो सकती है, सेल रिटर्न हो सकती है, तो उसके अगेंस्ट के अंदर हमें जो भी डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट हमें इशू है वो हमें सेम डे ही करने जरूरी होते हैं। उसके बाद में आपकी कंपनी के जितने भी डे टू डे डेली के डेली जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी एंट्री आपको करना जरूरी है। अब वाउचर एक्सपेंसेस की एंट्री आपके पास दो तरीके से हो सकती है, वाउचर के साथ में और विदाउट वाउचर के साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके वाउचर आपके पास में अवेलेबल ही नहीं होते। अगर आपके पास वो वाउचर्स अवेलेबल अगर नहीं है तो आपको उनका खुद का अपनी कंपनी के लेवल पे उसका वाउचर्स है जो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास में वाउचर है तो आप उन वाउचर्स की एंट्री है जो वाउचर को देख के कर सकते हो। तो ये आपका एक रूटीन वर्क है जो एक अकाउंटेंट का पूरे साल यानी कि 365 दिन वर्किंग उसको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में बात आएगी भी अगर आपने एंट्री तो कर दी, लेकिन अब एंट्री करने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए भी आपने बी टू बी की सेल कितनी करी है, बी टू सी की सेल कितनी करी है। यानी कि बी टू बी का मतलब क्या हो गया, भी आपने रजिस्टर्ड लोगों को कितना सेल किया है और अनरजिस्टर्ड लोगों को आपने कितना प्रोडक्ट है जो सेल किया है। बी टू बी का मतलब जिनके पास में जीएसटी नंबर है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, और जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद में बहुत सारी कंपनी है जो अपने कस्टमर से इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, तो अब इस टाइप की जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो हमें इनेबल करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट का एक ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने शुरुआत में इसको इनेबल करके नहीं रखा तो आपको आगे जाके दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो पर्टिकुलर डेज के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने डेज की कैलकुलेशन अगर अगर शुरुआत के दिनों में नहीं दी, जिसको हम क्या बोलते हैं मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, अगर आपने इसकी सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रखी है तो आपको ये एंट्री करने से पहले साथ के साथ करना पड़ेगा ताकि आपको ईयर एंड पे आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा सप्लायर्स है जिसे पूरे साल के अंदर आपने कम से कम है 50 या 50 से प्लस है जो इनवॉइसिंग आपने करी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ गया तो आपको सभी 50 इनवॉइस को दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम आपका खराब होगा, इसलिए इन चीज़ों को आपको शुरुआत के अंदर ही ध्यान देना जरूरी है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपकी कंपनी के ऊपर TDS या फिर TCS कलेक्ट करने की अगर जरूरत है तो आपको स्टार्टिंग के अंदर कंपनी का जो भी 10 नंबर है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, TDS का जो टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, TCS अगर आप सेल के ऊपर TCS कलेक्ट करते हो तो उसकी सेटिंग भी आपको स्टार्टिंग के अंदर करनी पड़ेगी। हालांकि इन सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल्स के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप सभी को सर्च करके इस बारे में चेक कर सकते हो भी TDS क्या चीज़ है, TCS क्या चीज़ है, TDS हमें कब डिडक्ट करना होता है, TCS कब हमें कलेक्ट करना होता है और इनकी क्या डेफिनेशन है, कब आपकी कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर मैंने बना रखे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि एक सफल अकाउंटेंट अगर आपको बनना है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भी सॉफ्टवेयर से ध्यान आपको हटाना पड़ेगा। आप ये मत दिमाग में से निकाल दो भी आप पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर को सीख के और एक आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाओगे, ये एक दिमाग में से निकाल दो। सॉफ्टवेयर आपको एक अकाउंटेंट नहीं बना सकता, अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा। अगर आप बुक्स नॉलेज या किसी नोट्स के नॉलेज से अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो आप
अकाउंटेंट नहीं बल्कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन रहे हो। तो यानी कि एक अकाउंटेंट की जो शुरुआत है वो वाउचर के ट्रांजेक्शन को लेके और इनको टैक्सेशन की रिपोर्टिंग तैयार करने तक का काम अकाउंटेंट का होता है, ठीक है। और ये आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक बातें डिस्कस करी थी भी उनको किन किन बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें जो उसको स्टार्टिंग के अंदर करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद के अंदर नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल के साथ में भी, आपको जीएसटी से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान में रखना है, टीडीएस से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान में रखना है, और टीसीएस से रिलेटेड क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ये हमारी स्टार्टिंग की कॉन्फिगरेशन सेटिंग्स और हमारे लेजर और हमारी स्टॉक आइटम ये अगर हमने प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन करके रखी हुई है तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो एकदम ओके रहेगी। अदरवाइज हमारी अकाउंटिंग आप जितनी ट्रांजेक्शन आप जितनी मर्जी रिकॉर्ड कर लो, अगर आपने ग्रुपिंग सही नहीं करी है लेजर्स की या स्टॉक आइटम की या फिर जीएसटी के टैक्स रेट की अगर बात करें, अगर टैक्स रेट आपने प्रॉपर सही तरीके से नहीं दे रखे हैं तो ये आपकी अकाउंटिंग है जो अधूरी है, आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं बनेगी और नहीं आपकी जो टैक्सेशन की रिपोर्टिंग है वो आपकी सही तरीके से बनेगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, या एज ए मतलब अकाउंटेंट के तौर पे हम देखा जाए तो अकाउंटेंट की जो शुरुआत है वो किस टाइप की होती है, स्टार्टिंग में उनको क्या क्या चीजें उनको करनी होती है एज ए फ्रेशर अकाउंटेंट को, क्योंकि फ्रेशर अकाउंटेंट होगा उसके पास में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास कब आएगा, जब वो किसी कंपनी में 1 साल काम करके और अपने हाथों से उस कंपनी की बैलेंस शीट्स है, जीएसटी की एनुअल रिटर्न्स है, टीडीएस की फोर्थ चारों क्वार्टरों की रिटर्न है, टीसीएस या टीडीएस की चारों क्वार्टर की रिटर्न, अगर टीडीएस की टीसीएस की रिटर्न और जीएसटी की 12 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न जब तक उसके हाथों से नहीं निकल जाएगी तब तक उसके पास में प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो नहीं आएगा। यानी कि कह सकते हैं भी कम से कम मिनिमम अगर टाइम माने तो 1 या 2 साल के बाद उसको प्रॉपर पता चलेगा भी एक अकाउंटेंट्स के मतलब की जर्नी और एक सॉफ्टवेयर सीखने की जर्नी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करना जो लोग अकाउंटेंट बनने की इच्छा रख रहे हैं या फिर वो रिसेंटली वो किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी इंस्टीट्यूट से वो इस अकाउंटेंट का कोई कोर्स कर रहे हो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस टाइप की वीडियो और भी लगातार मिलती रहेगी।